Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स. आप लोग जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है. आप इसे ईजिली रेफर कर सकते हैं. एंड ये वीडियो आपको रोजाना 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाया करेंगे, क्योंकि ये 7 से 8 बजे के बीच में ही अपलोड हो जाती है. अगर कभी नोटिफिकेशंस ना आए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. अब हम शुरू करते हैं आज का अपना डेली करंट अफेयर्स. हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? ये कौन है जो यूपीएससी के सदस्य चुने गए हैं? तो इनका नाम है भरत भूषण व्यास. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी. देखिए, ये आईएएस रह चुके हैं 1986 बैच के, जम्मू एंड कश्मीर इनका कैडर था और ये 1986 के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और अभी ये यूपीएससी के सदस्य चुने गए हैं. इनका नाम है भारत भूषण व्यास. ऑप्शन हो जाते हैं बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए आगमन पर वीज़ा सुविधा शुरू करने का फैसला किया है? वो कौन सा देश है जहाँ भारतीय, हमारे जितने भारतीय जाएंगे पर्यटक के रूप में, तो उन पर वीज़ा की सुविधा स्टार्ट की जाएगी? तो ये म्यांमार ने किया है. ऑप्शन है हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, कौन माउंट विंसन अंटार्कटिका पर चढ़ाई करेगी? अंटार्कटिका में जो माउंट विंसन है इस पे कौन हमारी भारतीय है ये जो चढ़ाई करने वाली है? तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे, इन्हें ये झंडा दिया है कि हाँ ये चढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है और इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा. ऑप्शन है हमारा ए, अरुणिमा सिन्हा. देखिए, मोदी जी ने नई दिल्ली में ही इन्हें माउंट विंसन अभियान के लिए तिरंगा सौंपा और ये जो महिला है ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला है. आप ये भी इनके बारे में ध्यान रख सकते हो. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन मध्य प्रदेश में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे? मतलब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है और इनका नाम है कमलनाथ. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी. देखिए, कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है और वो सेवामुक्त जो हम पहले जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की जगह लेंगे. ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हो गए डी, कमलनाथ अब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद के लिए जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है के चंद्रशेखर राव. तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया है, इन्हें चुना गया, ये आप ध्यान रखिएगा. ये दूसरी बार शपथ लिए हैं इन्होंने और ये भी तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष हैं. तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, के चंद्रशेखर राव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मिजोरम के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाएगा? तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होंगे इनका नाम है जोर मथंगा. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी, जोर मथंगा. ठीक है, एंड आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कुमानमान राजशेखरन. ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी ने म्यांमार के किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है. तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी, म्यांमार. एंड देखिए, इससे क्या होगा कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में ये बहुत मददगार साबित होगी. इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने म्यांमार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र और एक जैव पार्क को भी समर्पित किया है. ठीक है, और इस ऐप की अगर मैं बात करूं तो इस ऐप के जरिए क्या होगा कि किसी भी क्षेत्र के आधार पर फसल के अनुसार दिशा निर्देश के अलावा फसल और पशुधन ज्ञान पर भी ये जानकारी प्रदान करेगी और ये 2000 से अधिक विशेषज्ञों के साथ जोड़ सकते हैं. मतलब ये किसानों को 2000 से अधिक इसके विशेष सलाहकार, इस ऐप से किसान उनसे जुड़ सकते हैं और अपनी कृषि के लिए अच्छी राय ले सकते हैं. तो ये सारी इस ऐप की सुविधा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये म्यांमार में उन्होंने किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश स्थित किस स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश में एक स्टार्टअप है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है, तो इस स्टार्टअप का क्या नाम है? इसका नाम है हेल्प अस ग्रीन. हमारे ऑप्शन है ए, हेल्प अस ग्रीन.
देखिए ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए ये स्टार्टअप क्या करती है, मंदिरों में जितने भी पुष्प होते हैं ना, तो जब क्या होते हैं पुष्प के जो कचरे, मतलब मान लीजिए जो फूल सारे जब सूख जाते हैं, फूल माला जो भी, तो वह कचरे के रूप में तो इकट्ठे हो जाते हैं फिर, तो इनका ये काम है, ये जो हजारों टन मंदिरों में जो कचरे होते हैं ना, इन्हें ये पुनः चक्रण करते हैं, मतलब इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, और गंगा नदी को साफ करने के लिए ये काम आता है, क्योंकि सारे जितने भी फूल माला है सब नदी में बहा दिए जाते हैं, तो इससे हमारी नदी भी प्रदूषित हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है ये स्टार्टअप हेल्प अस ग्रीन, ये हमें ग्रीन रहने में मदद कर रही है, हमारा वातावरण को हरा भरा रखने में मदद कर रही है। तो ये फ्लावर साइकिलिंग के थ्रू ये अपना काम करती है, मतलब पुष्प पुनः चक्रण, फूलों का पुनः चक्रण करती है, जिससे गंगा नदी भी साफ हो, और वो फूलों का पुनः चक्रण करके प्रदूषण को हटा रही है। तो इसका नाम याद रखिएगा हेल्प अस ग्रीन, जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस शहर में दिनचर्या, दैनिक रहन सहन और ऋतुचर्या, मौसमी रहन सहन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयुषाचार्य आयोजित किया गया? तो देखिए ये हुई है आपकी नई दिल्ली में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए नई दिल्ली एंड आयुषाचार्य, याद रखिएगा कि आयुषाचार्य कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुई है। और आप एक और भी याद रख सकते हो, जैसे जो आयुष मंत्री है उनका क्या नाम है, श्रीपद यजो नायक, ये आप ध्यान रख सकते हो ये चीज़ें। और देखिए ये जो सम्मेलन हुई थी ना, ये 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, और इनका उद्देश्य ये था कि जन स्वास्थ्य को और प्रोत्साहन देना है, मतलब जन स्वास्थ्य में आप कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, ये इनका उद्देश्य था। ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो नई दिल्ली में है, यहाँ ये सम्मेलन संपन्न हुई थी। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ये नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस शहर में पार्टनर्स फोरम 2018 का उद्घाटन किया गया है? वो कौन सा शहर है जहाँ पार्टनर्स फोरम 2018 का उद्घाटन किया गया है? तो अगेन इट इज़ न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में ही पार्टनर्स फोरम का उद्घाटन किया गया। देखिए सितंबर 2005 में बाल मृत्यु दर जो हुई थी ना, उसे कम करने, किशोर नवजात शिशु और माँ के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाने के लिए प्रयासों को तेज़ी से चलाने के लिए इस पार्टनर फोरम को बनाया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी वैश्विक स्वास्थ्य भागीदारी को लेकर, इसे शुरू किया गया था। तो इस बार इसका 2018 में जो उद्घाटन हुआ है, ये नई दिल्ली में हुई है, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार से जिन्हें नवाजा गया है, इनका नाम है मणिका बत्रा। ऑप्शन है सी मणिका बत्रा। मणिका बत्रा ये जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जो है ये मणिका बत्रा जीतने वाली, ये पहली हमारी भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। और मणिका बत्रा ने 2018 में जो राष्ट्रीय मंडल खेलों में साल से, देखिए ये राष्ट्रमंडल जितनी इनकी खेल थी ना, इसमें भी इनकी बहुत अच्छी प्रदर्शनी रही थी, और इन्हीं श्रेणी में इन्होंने महिला टीम से अपना पहला गोल्ड भी जीता था। ये तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में, पर ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जो है मणिका बत्रा को मिला है, हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मुंबई में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए मुंबई में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है तरुण अग्रवाल। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए तरुण अग्रवाल, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लिया जाए तो तरुण अग्रवाल, देखिए तरुण अग्रवाल मेघालय के हाई कोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है, वहाँ के चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, और इन्हें ही प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मुंबई में। हमारे ऑप्शन है ए तरुण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किस योजना को तैयार किया है, जिससे वो जितने भी साइबर हमले होते हैं और साइबर आतंकवादी जो बढ़ रहे हैं उसके मुकाबला कर सके? तो इस योजना का नाम है संकट प्रबंधन योजना। हमारे ऑप्शन है ए संकट प्रबंधन योजना। और देखिए ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र के सभी मंत्रालय और विभागों और जितने भी राज्य सरकार हैं उनके द्वारा ये लागू की जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम है संकट प्रबंधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो कहते हैं, ठीक है, ये श्री हरिकोटा से कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च करेगी? तो देखिए 19 दिसंबर को ये लॉन्च होगा ये संचार उपग्रह,
और ये इसरो द्वारा निर्मित है। ये उपग्रह भारतीय वायुसेना को विभिन्न ग्राउंड रडार स्टेशन, ग्राउंड एयरबेस और जितने भी विमानस्थ प्रारंभिक चेतावनी दी जाती है या नियंत्रण विमान है, इन सब से जोड़ने में मदद करेगा, सक्षम करेगा ये संचार उपग्रह। ये 19 दिसंबर को लॉन्च होगा और इसका नाम है GSAT-7A। ऑप्शन है हमारे ए GSAT-7A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया है 14 दिसंबर को, और इसके पीछे उद्देश्य था कि ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करें और उसे बढ़ावा मिले। ठीक है, देखिए 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इस दिन की स्थापना की थी जब उन्होंने भारत के सौर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को निष्पादित कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है हम 2001 से मनाते आ रहे हैं और अभी हमने इसे रिसेंटली 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया है, मतलब कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश गीता महोत्सव आयोजित करेगा? तो देखिए, गीता महोत्सव जो देश आयोजित करेगा ये है मॉरिशस। ऑप्शन हो गया हमारे ए। देखिए, मॉरिशस के राष्ट्रपति जो है परमा शिवम पिल्ले, इनका नाम है ना, परमा शिवम पिल्ले व्यायपुरी, इन्होंने कहा है कि 2019 फरवरी में ये गीता महोत्सव आयोजित करने वाले हैं। और अगर इस बार की बात करें 2018 में, तो देखिए 7 दिसंबर 2018 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो 2018 का तो ये हरियाणा में हुआ था और अभी ये गीता महोत्सव जो मॉरिशस में होगी ये होगी फरवरी 2019 में। तो ये मॉरिशस आयोजित करेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, कृषि क्रमण पुरस्कार के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? तो कृषि क्रमण पुरस्कार के लिए जिसका चयन किया गया है वो राज्य है झारखंड। ऑप्शन है हमारे ए। और देखिए, 13 दिसंबर को कृषि मंत्रालय ने चावल की श्रेणी में कृषि क्रम पुरस्कार के लिए झारखंड को चयन किया है। तो देखिए, कृषि क्रमण पुरस्कार के लिए जो इनका चयन हुआ है ये चावल की श्रेणी के लिए हुआ है, और फरवरी 2019 में दिए जाने वाले पुरस्कार में इन्हें 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार और एक उद्धरण शामिल किया होगा इसमें। और इसमें ये भी कहा गया है कि प्रत्येक किसान को जो उद्धरण है उसके साथ 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कृषि क्रमण पुरस्कार के अंतर्गत, पर जो राज्य सेलेक्ट हुआ है वो राज्य है झारखंड। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 15 दिसंबर के, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएंगी।